खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त उत्तर प्रदेश से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर 20 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र पर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। यूपी में मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही विधानसभा के 24 स्टाफ की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा और अन्य करीब 200 लोगों का टेस्ट किया गया था, जिसमें से 24 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव मिले विधानसभा के स्टाफ में सुरक्षा गार्ड भी शामिल है। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। मानसून सत्र से पहले सभी विधायकों और विधानसभा के सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहा गया था, और इसके बाद जब कोरोना टेस्ट हुआ है 200 लोगों का, तो 24 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि यह विधानसभा सत्र 3 दिनों का होने वाला है। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बताया था कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इस बार जरूरी एहतियात का खास ख्याल रखा गया है। सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक भी हुई है और 19 अगस्त को सभी दलों के नेताओं के साथ एक और बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। स्पीकर कोरोना से बचाव के लिए जरूरी एहतियात को लेकर सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर चुके हैं। तो यूपी विधानसभा के 24 स्टाफ की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे साथ पंकज जुड़ चुके हैं। सीधे हम पंकज का रुख कर रहे हैं। पंकज, 2 दिन बाकी हैं और 2 दिन पहले ही कोरोना ने काफी खलबली मचा दी है। 24 लोग जो कि विधानसभा के कर्मचारी हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रोमता, देखिए, चूंकि विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से चलना है, इसको लेकर के सरकार ने निर्णय लिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने भी अपने जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है, एक कैंप अंदर खोला गया है कि वो अपनी कोरोना की जांच करा लें। और कल से जांच शुरू हुई, 24 कोरोना पॉजिटिव अधिकारी कर्मचारी विधानसभा में निकले हैं। चूंकि विधानसभा सचिवालय दोनों एक ही बिल्डिंग है, दूसरे तल पे विधानसभा सत्र चलता है, दूसरे सत्र पे जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन सब की जांच कराई जा रही है। विधायक भी जो आएंगे उनको भी कोरोना जांच करानी होगी, पहले निगेटिव रिपोर्ट लेकर के आएंगे। अब अभी तक 24 कुल जो है विधानसभा के कर्मचारी अधिकारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, उनको होम आइसोलेशन या जिनकी ज़्यादा दिक्कत है उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। आज जो बचे हुए हैं उनकी भी जांच होगी, लेकिन सवाल रोमता एक और बड़ा है, क्योंकि सरकार का और गाइडलाइंस का निर्देश था कि जिसको कोरोना हो रहा है उसके जो संपर्क में आता है वो 10 दिन कम से कम या 1 सप्ताह अपने आप को होम क्वारंटीन करे। तो क्या विधानसभा के जो अन्य कर्मचारी उनके संपर्क में आए होंगे वो होम क्वारंटीन करने के सरकार या विधानसभा निर्देश देगी, ये बड़ा सवाल है। चूंकि एक दूसरे के संपर्क में जरूर आए होंगे, अगर ऐसा होता है तो विधानसभा सत्र चलाना मुश्किल होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब ऐसे लोगों को होम क्वारंटीन या आइसोलेट किया जाएगा। जो बचे कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, और विधानसभा में जो भी विधानसभा के सदस्यगण हैं वो जब सत्र में भाग लेंगे तो उनकी भी रिपोर्ट लेकर के आना होगा। हालांकि लखनऊ में सेंटर बनाया गया है, जिलों में भी जाँच करा करके रिपोर्ट लेकर के आएंगे। खास बात यह है कि अब तक के इतिहास में पहला विधानसभा सत्र होगा जहां पे ना तो राज्यपाल दीर्घा होगी ना दर्शक दीर्घा होगी, और साथ जो पत्रकार दीर्घा थी वो भी पत्रकार दीर्घा नहीं होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए जो ऊपर कुर्सियां लगी हुई थी राज्यपाल दीर्घा, पत्रकार दीर्घा और दर्शक दीर्घा के लिए, उस पर विधानसभा के सदस्य बैठेंगे। चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, ऐसे में कुर्सियाँ कम है या सोशल डिस्टेंसिंग का जब ख्याल रखा जाएगा तो 1 मीटर की दूरी होगी। तो उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं, एक नॉमिनेटेड यानी 404 विधायक हैं, तो उनको बैठा पाना उस हाल में थोड़ा दिक्कत होगी। तो इस नाते उन दीर्घों को भी आरक्षित कर लिया गया है, उसका ख्याल रखा जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है। दूसरी तरफ सभी दलों के साथ बैठक की गई है, विधानसभा अध्यक्ष ने किया है, 19 अगस्त को फिर से करेंगे जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। उसमें ये है, चूँकि हाउस के दौरान कई सारे मुद्दे उठते हैं, हंगामा होता है, बहिर्गमन किया जाता है, वो चीजें ना बने। अगर वो होता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल या संक्रमण
फैलने का खतरा होगा, क्योंकि जब बेल में जाएंगे तो एक साथ काफी लोग जाएंगे तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर पाना मुश्किल है, नारेबाजी होगी। और कोरोना का हम सीधा सीधा असर इस विधानसभा सत्र पर भी देख रहे हैं, तो क्या 3 दिनों के होने वाले सत्र में कोरोना को लेकर एक गंभीर चर्चा भी विधानसभा के सदन में हो सकती है, क्योंकि यूपी में भी लगातार कोरोना के मामले बहुत रफ्तार से बढ़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल इस पे भी चर्चा होगी, उत्तर प्रदेश के कई सारे और विधेयक हैं जो पास कराए जाएंगे, जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं अभी जो उत्तर प्रदेश में विभिन्न जो 19 दिसंबर को सीए के खिलाफ एनआरसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था, लोक क्षतिपूर्ति विधेयक जिसका अधिकरण की गठन की कल कैबिनेट ने मंजूरी दी, 2 अधिकरण उत्तर प्रदेश में पूर्व और पश्चिम बनाए जाएंगे, उस विधेयक को रखा जाएगा, और कई सारे विधेयक हैं जो कैबिनेट से पास हुए हैं उनको रखा जाएगा, क्योंकि 3 दिन का अगर विधानसभा सत्र मानसून सत्र बुलाया गया है तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सरकार को करनी है, क्योंकि वो देर हो रहा है, 6 महीने ही अगर कैबिनेट में किसी भी विधेयक या कोई ऐसी चीज लेकर आया जाता है तो 6 महीने तक मान्य होता है, 6 महीने तक 6 महीने के अंदर विधानसभा में विधानसभा के पटल पे उस विधेयक को रखा ना होता है, पास कराना होता है, तब कानूनन मान्य होता है, 6 महीने तक आप कैबिनेट में पास करा करके उस पे कानूनी तौर पे काम शुरू हो जाता है, लेकिन 6 महीने से अगर ज्यादा होगा तो उसके लिए आपको बकायदा विधानसभा सत्र में उस विधेयक को पास कराना होगा, तो ऐसे कई सारे विधेयक हैं जो 6 महीने के करीब हैं या कई और नई चीजें हैं, इन सब चीजों पे चर्चा होगी और कोरोना पे चर्चा व्यापक स्तर पे होगी, एक दिन चूंकि रखी जा सकती है, हालांकि पहले दिन जो माननीय सदस्य होते हैं विधानसभा के पूर्व सदस्य होते हैं अगर निधन होता है तो पहले दिन निधन की सूचनाएं होती है, निधन के बाद कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है और दूसरे दिन से फिर से कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी, जिसपे कई सारे मुद्दों पे चर्चा होगी, कई सारे विधेयक पास किए जाएंगे और कई अन्य मुद्दों पे चाहे बाढ़ की समस्या हो या कानून व्यवस्था का हो या उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष तैयारी कर रहा है उठाने के लिए, या अभी हाल फिलहाल में जो ब्राह्मण की सियासत को लेकर के, ब्राह्मण एनकाउंटर और हत्याओं को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं विपक्ष से लेकर के सत्तापक्ष विधायक को, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपकी तरफ से बताए गए हैं पंकज, जिन पर सदन के अंदर चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि किस तरीके से कोरोना का खतरा विधानसभा के सत्र पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है, वो भी ठीक 2 दिन पहले इस तरह की सूचना निकल कर सामने आई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।